हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टेडिया क्रिकेट में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान लॉकडाउन किया गया है दोस्तों, तो जानिए बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बुरी खबर है राजस्थान के लिए। यहाँ पर राजस्थान में लॉकडाउन कर दिया गया है और शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 4 लाख शिक्षकों को मिली आज छुट्टी। तो 4 लाख शिक्षकों को छुट्टी दे दी गई है, इतने दिनों से छुट्टी नहीं दी थी 4 लाख शिक्षकों को। तो सबसे बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा मैं आपको और भी जानकारी बताऊँगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। दोस्तों यहां पर देख रहे हैं, कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा के द्वारा 21/3/2020 सभी जिला कलेक्टर के पास ये आदेश जारी हो चुका है और यह बंद कर दिया। देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और यहां पर COVID-19 कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1867, द राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जो कोरोना वायरस के संक्रमण में आमजन को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तथा उसके स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर संपूर्ण कोटा जिले में और पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, सभी जिला कलेक्टर के पास ये आदेश भेज दिया गया है। आवश्यक अधिनियम 1955 के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं जैसे कि मेडिसिन, राशन, दूध, सब्जी, LPG, गैस, पेट्रोल पंप, रिटेल आउटलेट, पानी सप्लाई, बैंक, ATM के अतिरिक्त कोटा जिले के समस्त प्रतिष्ठानिक दुकानों को 22/2020 प्रातः 6 बजे से 25/2020 तक 6 बजे तक बंद रखने के आदेश हैं। तो दोस्तों जिसके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो बिल्कुल आप उसके पास नहीं है, काम चलाओ। जो है आपके पास राशन की दुकान में कुछ नहीं मिलने वाला आपको, न LPG सिलेंडर मिलेगा। यदि आपके घर पे सिलेंडर बीत गया है तो आपको नहीं मिलेगा, आग जलाओ और काम चलाओ। ओके, ये आप देख सकते हो 22 तारीख से और 25 तारीख तक है। जो भी आप अफवाह देख रहे होंगे 31 तारीख तक नहीं है। ओके, जो आपको न्यूज है वो मात्र ये है सटीक जानकारी कि 22 तारीख से 25 तारीख तक बंद किया गया है। बात करता हूँ कचौरी, चमोसा और मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थ की बनाने वाली दुकानें, ठेले इत्यादि भी पूर्णतः बंद है। यानी कि आप कचौरी खाने के लिए आप उत्सुक हो, चमोसा खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, ये बड़ी खबर है। आगे जानकारी, उक्त आदेश रेलवे स्टेशनों, रोडवेज और बस स्टैंड, होटल में निवासरत विद्यार्थियों के लिए होम डिलीवरी करने वाले खाद्य पदार्थ, मेस इत्यादि पर लागू नहीं होगा। यानी कि कोई हॉस्टल वगैरह में रहता है तो वहाँ पर जो डिलीवरी करने जाते हैं डिलीवरी बॉय, उसके लिए ये आदेश लागू नहीं है, यानी कि वहाँ तक पहुँचेगा। जानकारी, उक्त आदेशों की पालना जिला पुलिस अधीक्षक, शहर ग्रामीण कोटा, आयुक्तालय, नगर निगम सचिव, नगर विकास न्याय, जिला रसद अधिकारी, समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट, समस्त तहसीलदार एवं नगर पालिका कोटा जिला द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। और 4 लाख जो शिक्षक है उनके लिए बंद किया गया, वो भी जानकारी बताऊंगा। साथ ही मैं कोटा जिले में आम नागरिकों की अपील करता हूं, यानी कि कोटा ही नहीं है, यहां पर सभी की बात कर रहा हूं मैं, पूरे राजस्थान में बंद है दोस्तों, ऑफिशियल जानकारी है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु 22/2020 प्रातः 6 बजे से दिनांक 25/2020 6 बजे तक अपने घरों में रहें, घरों से बाहर न निकलें, भीड़भाड़ वाली जगह पर ना जावे, मेडिसिन, इमरजेंसी एवं अन्य अत्यावश्यक कार्य होने पर ही अपना काम छोड़े। तो ये जानकारी है, सभी को यह जानकारी दे दी गई है, पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने यह जानकारी दी है। चलिए जानकारी देखते हैं, पहले शिक्षकों को भी छुट्टियाँ मिल चुकी है। तो दोस्तों आप महत्वपूर्ण खबर यहां पर भी देख रहे होंगे, जी राजस्थान न्यूज की, कोरोना वायरस राजस्थान में करीब 4 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। तो बड़ी खबर क्या है, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 31 मार्च तक शिक्षकों का अवकाश लिया फैसला, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वार्ता के बाद CM अशोक गहलोत से भी की वार्ता। तो दोस्तों राजस्थान लॉकडाउन हो चुका है, बड़ी खबर है, सबसे बड़ी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खबर। जो शिक्षकों को आज दिन तक छुट्टी नहीं मिली थी 4 लाख शिक्षकों को, उनको कोरोना वायरस की महामारी घोषित करने के बाद इनको भी छुट्टियां, यानी कि आप शिक्षक भी छुट्टियां का आनंद ले सकेंगे। ये जानकारी महत्वपूर्ण थी, सबसे और महत्वपूर्ण जानकारी थी। वीडियो को शेयर करें दोस्तों, अपना फर्ज है, इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं, ग्रुप है व्हाट्सएप में, उस तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि राजस्थान को लॉकडाउन कर दिया गया है, साफ साफ आदेश है गवर्नमेंट के। यदि आप बाहर जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, चमोसा, कचौरी, तेल, पेट्रोल पंप वगैरह सब कुछ बंद है। यानी कि बाइक लेके चले गए तो रास्ते में बंद हो गई तो वहीं पटक के आना पड़ेगा, रास्ते में आपका और कोई इंतजाम नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।